नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजनी और आज मैं आप लोगों के साथ पनीर और मशरूम की बहुत ही टेस्टी और इजी टी टाइम स्नैक्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। ये एक टी टाइम स्नैक्स की रेसिपी होने के साथ साथ एक साइड डिश भी है जिसको कि आप रोटी या चावल में खा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रेसिपी। कढ़ाई में हम तेल डालेंगे लगभग एक चम्मच। अब हम इसमें पनीर ऐड कर लेंगे और हम इसमें हल्का सा हल्दी का पाउडर, एक चौथाई चम्मच नमक ऐड करेंगे और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे पनीर हल्का सा फ्राई हो चुका है, गैस के फ्लेम को हम लो कर लेंगे और अब इसमें हम मशरूम ऐड कर लेंगे। मशरूम का जो नीचे का डंडल होता है ये देखिए, उसको मैंने हटा लिया है और मशरूम को यहाँ पे छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है, इसको इसमें हम डाल देंगे। मटर और मशरूम का जो नाश्ता होता है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, खाने में झटपट बन करके तैयार हो जाता है और इसको आप शाम में चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं या फिर ऐसे ही आप साइड डिश के तौर पे भी इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। ये मशरूम बहुत जल्दी कुक हो जाता है, इसीलिए मैंने इसे थोड़ा सा पहले पनीर को हल्का सा सौते कर लिया है, उसके बाद इसको इसमें ऐड किया है। अब इसको हल्का कुक होने देंगे। अगर आप चाहें तो इसको ढक ढक करके कुक कर सकते हैं, लेकिन मशरूम को बहुत ज़्यादा ओवर कुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हल्का सा जो कचकच वाला जो टेस्ट होता है वो अगर आता है तो नाश्ता हमारा काफ़ी टेस्टी लगेगा खाने में। इसमें हम हल्का हल्का मसाला ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, बिल्कुल हल्के मसाले ऐड करेंगे जिससे कि हमारा नाश्ता काफ़ी स्पाइसी बनकर के रेडी हो। तो एक चम्मच से भी कम मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट, मिक्स कर लेंगे। हल्का सा हमें गरम मसाला का पाउडर भी ऐड कर लेना है। रेसिपी को स्पाइसी और चटपटी बनाने के लिए यहाँ पे हमें डालेंगे हल्का सा मिर्ची का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर। हरी मिर्च मैंने बहुत ही कम इस्तेमाल किया था, एक हरी मिर्च भी मैंने इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए मैं यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर दिया है। और ये देखिए मशरूम जो हमारा है वो लगभग कुक हो चुका है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में डाला था। इसको कुक होने में लगभग 1 से 2 मिनट का वक्त लगता है, ज़्यादा वक्त नहीं लगता है और बहुत ही कम टाइम और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में हमारी बहुत ही टेस्टी टी टाइम स्नैक्स भी आप इसको बोल सकते हैं, या फिर इस तरीके से आप फ्राई करके बच्चों को पूरी, पराठा या फिर रोटी में भी जो लंच बॉक्स है उसमें दे सकते हैं, हस्बैंड को भी दे सकते हैं, या फिर चावल दाल के साथ भी आप इसको साइड डिश के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में कि आप जिन्हें भी देंगे वो खाते ही रह जाएंगे। तो अगर रेसिपी आप लोगों को पसंद आए दोस्तों तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।